नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक निर्णय की, हालांकि उसको निर्णय ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मद्रास हाई कोर्ट का एक ओबिटर डिक्टा है, मैं आपको कानून की भाषा में बताऊं तो कानून में रेशियो डिसाइडेंडी यानी कि रीज़न ऑफ द जजमेंट, और दूसरा ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा हम कहते हैं कि कोर्ट ने कुछ कहा, कोर्ट ने कोई बात कही, तो ये रेशियो ऑफ डिसेंडेंडी तो नहीं है, यानी कि रीज़न ऑफ जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन एक केस एक पिटीशन को डिसमिस किया है और डिसमिस करते समय कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं रिजर्वेशन को लेकर। मैं ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट तो डिसमिस करने का जजमेंट है, लेकिन उसकी जो कोडिंग है वो मुझे याद आ गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय आर्टिकल 9, 10, 11 की बहस चल रही थी, उस समय आर्टिकल 9, 10, 11 का मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, आज का आर्टिकल 14, 15 और 16, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 रिजर्वेशन को डील करता है, यानी कि 15-4 और 16-4, आर्टिकल 15-4, आर्टिकल 16-4 ये कहता है कि राज्य को रोका नहीं गया है अगर कोई कम्युनिटी पीछे बैकवर्ड है या कोई कम्युनिटी SC ST, उस समय बैकवर्ड वर्ड इस्तेमाल किया गया था, कोई कम्युनिटी, अब उसमें SC ST कम्युनिटी इस्तेमाल किया गया है, बाद में उसको OBC भी जोड़ा गया, तो वो कहता है कि अगर कोई SC ST बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, ऐसी कोई कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी को उत्थान करने की आवश्यकता है, वो दबी कुचली पिछड़ी हुई है, तो फिर राज्य सरकार को रोका नहीं गया है कि राज्य सरकार उसको उत्थान ना कर सके। ये बात आर्टिकल 15-4 और आर्टिकल 16-4 में कही गई है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये आर्टिकल 15-4 और 16-4 में कही गई है, क्या जिस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कहा था? जैसा मैंने कहा, मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी, मैं उसके पूरे फैक्ट बताऊंगा, आखिर मामला क्या था। जो केंद्र सरकार ने 27% OBC रिजर्वेशन किया है मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के तहत, उस 27% रिजर्वेशन के ऊपर एक पेटिशन DMK पार्टी, जो इस समय रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु की, उसने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, और ये कहा था कि केंद्र सरकार इसको कंटेम्प्ट कर रही है 27% रिजर्वेशन लागू करके, इसलिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। मतलब मामला बहुत गंभीर था, हालांकि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हाईकोर्ट ने डिसमिस की है, और ऑब्जर्वेशन ये दिया है कि जब किसी भी निर्णय के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हों, क्योंकि हाई कोर्ट का एक पुराना निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस रिजर्वेशन की पॉलिसी के अनुसार ही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके अनुसार ही वहाँ पर कोई भी एडमिशन या प्रमोशन होना चाहिए, और वो पॉलिसी को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पॉलिसी के मामले में कह दिया कि स्टेट की जो पॉलिसी है, जो 1993 में स्टेट ने लॉज बनाए थे, उन लॉज के अनुसार करना चाहिए, तो अब स्टेट का कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो OBC कोटा इम्प्लीमेंट किया है, वो कोटा राज्य के नियमों के विरुद्ध है, और चूँकि राज्य का जो कानून है उसके विरुद्ध आता है, इसलिए ये कंटेम्प्ट है राज्य का, हाई कोर्ट के ऑर्डर का, और हाई कोर्ट के ऑर्डर का चूंकि ये कंटेम्प्ट है इसलिए केंद्र सरकार को कंटेम्प्ट के तहत लाना चाहिए। मामला क्या था? मामला ये था कि राज्य सरकार अपने यहाँ OBC 50% रिजर्वेशन की बात करता है अपने नियमों के अनुसार, जो राज्य के नियम है, लेकिन अब केंद्र ने केंद्र के कोटे में 27% ही OBC रिजर्वेशन तमिलनाडु में लागू किया है, तो उनका कहना है कि 50% चूंकि हाईकोर्ट वेरीफाई कर चुका है, इसलिए 27% कहना अब ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है और ये ठीक नहीं है, इसलिए कंटेम्प्ट है। क्या है मामला? मेडिकल साइंस में, या मुझे लगता है और भी प्रोफेशन में होता होगा, चूंकि इसका केस स्टडी मैंने किया इसलिए मुझे पता लगा, मेडिकल साइंस में जो मेडिकल की सीट्स होती हैं उन सीट्स में राज्य सरकार की ही भले ही वो मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी हो या केंद्र की यूनिवर्सिटी हो, उसमें केंद्र का अपना कोटा होता है,
जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में मेडिकल फील्ड मेडिकल साइंस में 50% कोटा केंद्र का होता है और अंडर ग्रेजुएशन में कुछ 15-20% केंद्र का कोटा होता है। यानी कि अगर 100 एडमिशन हुए तो 15-20 एडमिशन केंद्र सरकार के कोटे से होंगे यानी कि देश भर से, और बाकी राज्य सरकार अपने यहाँ जो नियम लागू करती है जो डोमिसाइल की पॉलिसी चलती है उस डोमिसाइल की पॉलिसी के तहत वो कर सकती है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जब मेडिकल साइंस में लेनी है तो 50% कोटा केंद्र का होता है और 50% राज्य अपने यहाँ की जो उसके यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी है जो उसके यहाँ की एडमिशन पॉलिसी है उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकता है। तो जब तमिलनाडु में जो कानून है उसके अनुसार 50% ओबीसी होना चाहिए और केंद्र ने जो ओबीसी कोटा किया है वो 27% किया है तो कहना यह है कि ये उल्लंघन है। हालांकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और ऑनरेबल जस्टिस पीडी ऑडिकेसावेलु ये दो जजेस की बेंच थी, उन्होंने अपने 27 जुलाई 2020 के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कहा कि 27 जुलाई 2020 का ऑर्डर के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, चूंकि दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इसलिए इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता। क्या मामला था, जो कानून है राज्य का वो राज्य के कानून का नाम है तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर स्टेट एक्ट 1993। ये इतना बड़ा कानून, मतलब इतना बड़ा नाम उस कानून का है, ये राज्य सरकार ने पास करके रखा है जिसमें 50% कोटे की बात करते हैं। खैर ये तो कोर्ट की अपनी बात थी। कोर्ट ने जो टिप्पणी करी, एक तो 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस कोटे की बात कही, 10% रिजर्वेशन पर कोर्ट की टिप्पणी आई, जो टिप्पणी मुझे लगता आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ईडब्ल्यूएस का। आपको याद होगा मोदी सरकार ने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं यानी कि सवर्णों के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं उनको हम 10% रिजर्वेशन देते हैं और इस 10% रिजर्वेशन में हम जो 50% का रिजर्वेशन इंदिरा सानी का जजमेंट है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, 10% एक्स्ट्रा होगा, वो इंदिरा सानी से गवर्न नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जो 10% रिजर्वेशन की बात यहाँ पर चैलेंज की तमिलनाडु सरकार ने, तो हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही हम राज्य में 10% कोटा लागू करवा सकते हैं, लेकिन प्राइम एफएसआई ये लगता है कि ये जो 10% रिजर्वेशन है ये इंदिरा सानी के जजमेंट का उल्लंघन है। यानी कि आपको आपने टिप्पणी कर दी, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को ये पॉजिटिविटी सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ और मैटर देगी, सुप्रीम कोर्ट का व्यू बदलने के लिए ये सहायक होगी। दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने बहस करते समय सुनी, एक बात रिजर्वेशन पर मैं बहुत बार कहता रहता हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा, रिजर्वेशन मैंने बहुत बार कहा रिजर्वेशन गलत नहीं है लेकिन रिजर्वेशन सही व्यक्ति को चुनने के लिए कुछ मैकेनिज्म आपको बनानी पड़ेगी जो अभी तक वंचित है। क्यों ना रिजर्वेशन उसको दिया जाए जिसको रिजर्वेशन मिल चुका है, उसकी ही संतानों को रिजर्वेशन, उसके ही परिवार को रिजर्वेशन। तो फिर जिसको रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं मिला और जिसके रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी या दो पीढ़ी को मिल चुका है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है और इस गैप को कभी पटाया नहीं जा सकता। यानी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं वही जीवन भर लाभ लेते रहेंगे, ये जो वंचित लोग हैं जो नाली के किनारे रहते हैं, जो नाले के किनारे रहते हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, ये तो कभी उनको कंपटीशन ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास कभी फैसिलिटी नहीं है। तो इनमें भी जब कंपटीशन होगा यानी कि ओबीसी एससी एसटी में भी कंपटीशन होगा तो जो रिजर्वेशन का लाभ जिनके पिता ले चुके हैं उनके बच्चे आसानी से उसका लाभ ले लेंगे क्योंकि नो डाउट वो इनसे बेटर एजुकेशन लेकर आए हैं, इनसे बेटर माहौल लेकर आए हैं, इसलिए ये बेचारे पिछड़ जाएंगे और ये इनका परिवार अब कभी भी सिस्टम में नहीं आ पाएगा। तो जो रिजर्वेशन का ओरिजिनल मोटो था कि हम प्रत्येक परिवार को प्रत्येक दलित वंचित और पिछड़े व्यक्ति को जिसको लाभ नहीं मिला है उसको लाभ देकर मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे और मेन स्ट्रीम में उसको लाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ये मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आ सकता। और मेन स्ट्रीम में आएगा भी कैसे क्योंकि ये अपने ही समाज से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता जो रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको रिव्यू करने की बारम्बार मैं आग्रह करता रहता हूँ, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और अब जो मैंने दोपहर में एक लेक्चर में बताया था पीपीपी मॉडल,
परिवार रजिस्टर जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, इससे पहले भी इसके प्रयास हुए हैं, मुझे लगता है उसमें क्यों ना इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ समग्र आईडी के नाम समग्र आईडी शुरू की थी, समग्र आईडी की उनकी वेबसाइट भी है। तो समग्र आईडी में यानी कि पूरे परिवार का एक रजिस्टर और परिवार की एक आईडी, सारी आईडियाँ एक साथ मिक्स किया। हालांकि हरियाणा का जो प्रिंसिपल है वो एकदम यूनिक है और उसका उपयोग मुझे लगता है केंद्र सरकार कर सके। तो क्यों नहीं ये जो पारिवारिक रजिस्टर बन रहा है, इस परिवार में जो बच्चे पैदा हों उन बच्चों को, जो लाभ ले चुका है रिजर्वेशन का, उन बच्चों को किसी प्रकार से उसका लाभ लेने से वंचित किया जाए और जो ओरिजिनल जो जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ दिया जाए। ऐसी मैकेनिज्म बनाई जानी चाहिए ताकि जो 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 पिछड़ा समाज है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिले और वो मेन स्ट्रीम में आ सके, एक बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो ये कहा कि भाई जो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल हमको दिखाई दे रहा है, जो रिजर्वेशन जिस प्रकार से इस समय का कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि कभी हम जातियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम जातियों को ही प्रमोट कर रहे हैं। जातियों को प्रमोट करने से उनका मतलब है कि जिन जो उद्देश्य था डॉक्टर अम्बेडकर का और उस समय पार्लियामेंट का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी का, हालांकि वो मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस का ये मत थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि वो गहराई में नहीं गए। गहराई मत इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनने कहा कि कुछ समय के लिए ही रिजर्वेशन लागू किया गया था और अब 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद भी रिजर्वेशन का जो कास्ट बेस सिस्टम चल रहा है उससे ये लगता है कि भारत में कास्ट को बल मिल रहा है, कास्टों को जो खत्में हो रही हैं उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है और पुनर्जीवित रहेंगी। और कास्टें अगर ख़त्म, ये रिजर्वेशन का जो सिलसिला चल रहा है, ये रिजर्वेशन का सिलसिला ऐसा ही ना चला तो कास्ट को हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन को समय के लिए लागू किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) का है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने नहीं दिया था। 15(4) 16(4) पहले अमेंडमेंट, और वो भी तमिलनाडु का ही मामला था, चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला था जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मद्रास में कह दिया था और कहा था संविधान में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। तब नेहरू जी पहले संविधान संशोधन के रूप में रिजर्वेशन लेकर आए थे और रिजर्वेशन उन्होंने लागू कर दिया था, 15(4) 16(4) लागू कर दिया था। यानी कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर भी नहीं थे, काउंसिल मिनिस्टर में भी नहीं थे और संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान सभा से अब कोई लेना देना नहीं था। ऐसे समय में रिजर्वेशन लागू किया गया, तो ओरिजिनल संविधान में 15(4) 16(4) जिसकी मैं बार बार कहता हूँ कि ओरिजिनल संविधान के आर्टिकल 9, 10, 11 की बहस जब आप सुनेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी का डॉक्टर अंबेडकर विरोध कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन की बात कही लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का जो समर्थन किया उसमें ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही थी और ये कहा था कि पॉलिटिकली रिजर्वेशन देकर कास्टों के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट में अपनी बात कहें ताकि पार्लियामेंट उनके विषयों को संज्ञान ले सके और संज्ञान लेने के बाद न्याय की बात कर सके और जो भविष्य में करना है वो कर सके, लोगों के जो जो शोषित वंचित है वो कहीं शोषित वंचित ना रह जाए, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर सके। इसलिए उनकी समस्याओं को लेजिस्लेशन के सामने रखने के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए, ना कि आर्टिकल 15(4) 16(4) का रिजर्वेशन। हाँ, मैं आर्टिकल 15(4) 16(4) के रिजर्वेशन व्यक्तिगत रूप से मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि राइट पर्सन को रिजर्वेशन दीजिए और राइट पर्सन को अगर आप रिजर्वेशन अभी से देना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगली 2 या 3 पीढ़ियों में रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एलिजिबल नहीं बचेगा रिजर्वेशन के लिए क्योंकि सभी के परिवारों को कहीं ना कहीं लाभ मिल चुका होगा और मेन स्ट्रीम में आ चुके होंगे और सभी को आप सवर्ण घोषित कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब जो हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन कुछ समय के लिए 10 साल के लिए लागू किया गया था इसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है जो 10 साल के लिए लागू किया गया था और इसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा, हर 10 वर्ष से बार बाद उसको एक्सटेंड करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब आर्टिकल 15 और 16 में बहस चल रही थी, यानी कि ड्राफ्ट के 9, 10, 11 में बहस चल रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आप कास्ट को रिजर्वेशन देंगे तो ये निश्चित है कि कभी
कास्ट खत्म नहीं हो सकती, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में हम सब हिंदू रहें, ना कि हमारी कोई कास्टें रहें। और हमारी कास्ट अगर आप रिजर्वेशन देते हैं कास्ट को, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कभी भी भारत से अस्पृश्यता खत्म नहीं करना चाहते। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा परेशान थे अस्पृश्यता से, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, और उनका कहना था कि फिर जब कास्ट जीवित रहेगी तो अनटचेबिलिटी ख़त्म कैसे होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने भी आज यही कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कास्टों को पुनर्जीवित करने का कोई साधन आज की तारीख में अगर कोई है तो वो रिजर्वेशन है, और इस पर विचार होना चाहिए कि रिजर्वेशन क्या फॉरएवर चलाना है। आप देश को मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, 70 साल से ऊपर देश को स्वतंत्र हुए हो चुके हैं, क्या अभी भी आप मेन स्ट्रीम में लोगों को नहीं ला पाए और कास्टिज्म भारत से ख़त्म नहीं कर पाए, जो कि मुख्य उद्देश्य था कि भारत से कास्टिज्म ख़त्म करें। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भारत से कास्टिज्म ख़त्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या भारत में रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर लागू रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही मुझे लगा कि कास्ट के आधार पर अगर रिजर्वेशन रहेगा तो कभी भी कास्टिज्म भारत से ख़त्म नहीं हो सकती, और चूंकि कास्टिज्म भारत से ख़त्म नहीं हो सकती तो भारत की ये प्रॉब्लम भी कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाँ, हालांकि डीएमके की जो 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 पिटीशन थी उस पिटीशन को उन्होंने डिसमिस किया, और डिसमिस करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि हाई सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन पेंडिंग है, ये मामला पेंडिंग है, इसलिए इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, और 27% का रिजर्वेशन जो लागू किया है केंद्र सरकार ने अपने कोटे में वो अभी तक बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसका अप्रूवल दे या EWS में भी सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे, और ये जो 27% से 50% वाला मामला है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे, हाई कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट इसमें नहीं होता। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो एक स्वाभाविक टिप्पणी है, वो देश के उत्थान की टिप्पणी है, देश को सही दिशा दिखाने की टिप्पणी है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दलित समाज को स्वयं कहना पड़ेगा कि हम संपन्न हो चुके हैं, जो लोग भी संपन्न हो चुके हैं वो ये इस बात की पिटीशन हाई कोर्टों में सुप्रीम कोर्टों में डालें कि हमको सवर्ण घोषित किया जाए, मुझे दलित जाति से बाहर निकाला जाए, हम अस्पृश्यता की जाति में नहीं रहना चाहते, हमें अलग रखा जाए, हमको सवर्ण घोषित किया जाए, और हमें भविष्य में रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है यही एक उपाय है कि हम सभी जातियों को हिंदू बनाने में सफल हो जाएंगे, यानी कि हम सभी जातियों को एक सुर में हिंदू कह पाएंगे। अदरवाइज़ हमें कभी कभी लगता है कि हम लोग अपने आप को हिंदू कम और जातियाँ ज़्यादा बताते हैं, और यही कारण है कि कभी मुग़लों ने शासन किया तो कभी अंग्रेज़ों ने शासन किया, और हम फूटे बने रहे, जातियों में विभक्त रहे, हम इकट्ठे नहीं हो पाए। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।